इसी बीच एक और बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई। आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। दरअसल 3 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, तो आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह ने आम आदमी पार्टी पर अभी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में नहीं आम आदमी पार्टी का कोई वजूद, कांग्रेस और बीजेपी में है असली मुकाबला, केवल शून्य मात्र है मैदान में आम आदमी पार्टी। तो प्रतिभा सिंह की तरफ से आम आदमी पार्टी के ऊपर उनके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि केवल शून्य मात्र ही है मैदान में आम आदमी पार्टी, असली जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस में है। दरअसल 3 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, और ऐसे में आम आदमी पार्टी पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में लगातार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हिमाचल में नहीं आम आदमी पार्टी का कोई भी वजूद, केवल शून्य मात्र है मैदान में आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा कि असली मुकाबला जो है मैदान में वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में है। तो 3 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, ऐसे में आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह ने आम आदमी पार्टी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शून्य मात्र ही है बस मैदान में आम आदमी पार्टी। आप पार्टी कोई बड़ी भारी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, ठीक है, पंजाब वो जीते हैं क्योंकि पंजाब में कुछ और सिचुएशन थी, कांग्रेस वहां किन्हीं कारणों से कमजोर पड़ी, तो उसमें उन्होंने बहुत सालों से काम किया था पंजाब में, तो वो वहां पर इस सिचुएशन को देखते वहां पर जीत कर आए हैं और उन्होंने वहां पर सरकार बनाई। उन्हें लगता है कि पंजाब में हम जीते हैं तो अवश्य हम हिमाचल प्रदेश में भी दस्तक देंगे और वहां भी हम सफलता हासिल करेंगे, पर ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है और जितने भी इलेक्शन हुए उन्होंने दो ही मुख्य पार्टियों को देखा, या बीजेपी या कांग्रेस। अब ये नई पार्टी आई है, लोगों को यहाँ पर इसका ज्यादा अंदाजा नहीं है कि वो क्या करेंगे। वो तो एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि आम आदमी को, कॉमनर को उठाकर हम नेता बना देते हैं। यहाँ पर भी काफी लोगों ने मुझे आवेदन किया होगा कि हमको आप पार्टी में लें, या पर वो भी बड़ी सोच समझ के ही इस कार्रवाई को कर रहे हैं। तो अभी बहुत लोग इनसे प्रभावित नहीं हुए, और मैं मानती हूँ कि मुख्यतः इलेक्शन बीजेपी और कांग्रेस में ही। तो प्रतिभा सिंह की आपने प्रतिक्रिया सुनी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैदान में सिर्फ और सिर्फ असली मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है। आम आदमी पार्टी पंजाब जरूर जीत चुकी है, लेकिन हिमाचल में स्थिति अलग है। ऐसे में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। गौरव जी, जिस तरीके से प्रतिभा सिंह ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि केवल शून्य मात्र ही मैदान में आम आदमी पार्टी आती हुई नजर आ रही है और जो असली मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी में है। जी देखिए, वैसे तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो हमारी न कहीं चुनावी उस पे है, ना हम उन्हें कहीं आंकलन करते हैं कि वो चुनाव में हमारे प्रतिद्वंदी है, क्योंकि कांग्रेस लुप्त होती जा रही है। फिर भी आपने प्रतिज्ञा मांगी है, तो मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ये भूल रही है कि हिमाचल प्रदेश की जनता का स्नेह जो आम आदमी पार्टी की तरफ उमड़ रहा है और बढ़ रहा है। जिस प्रकार से हमारे 6 लाख से ऊपर जो है सदस्यता हो चुकी है, और निरंतर आए दिन आपको भी देखने को मिलता होगा, कांग्रेस पता नहीं क्यों आंखें मूंदे बैठी है कि रोज हमारा कार्यक्रम 5 से 6 विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई कार्यक्रम हमारा निरंतर चल रहा है, और वो कार्यक्रम और नहीं हिमाचल प्रदेश के लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस की हालत इस तरीके की हो गई है कि जैसे कबूतर आंखें मूंद लेता है और सामने बिल्ली देखे कि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा हूं, ना बिल्ली मुझे देख रही है, तो उस प्रकार की कांग्रेस की स्थिति लग रही है। कांग्रेस अपना जो है वजूद जनता से खो बैठी है। इन्होंने लंबे समय तक राज किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है। आज भी कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को अपना जो है सानी मानती है। आपने देख ही रहा होगा, अभी प्रतिभा सिंह जी ने भी कहा कि सिर्फ कांग्रेस है और बीजेपी है। ये केवल क्योंकि तीसरे विकल्प को इसलिए नहीं आने देना चाहते क्योंकि उनकी जो बाकी चीजें हैं वो छिप जाएंगी और इनका जो आपसी जो बारियां हैं 5-5 साल की वो हट जाएंगी। और मैं आपको निश्चित बता देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी दिलों में लोगों के राज कर चुकी है और घर घर आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। चलिए ठीक है गौरव जी, वो तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। इसी बीच गौरव जी मैं आपको रोक रहा हूँ, इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जिस तरीके से गौरव जी को आपने सुना होगा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने आंख मूंद ली है, जो सच है वो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं देखिए, ये
जो भी समझे इनका अपना तजर्बा है, अपनी सोच है, लेकिन एक चीज सच्चाई है जो नकारी नहीं जा सकती कि हिमाचल प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी का वजूद बनाने में समय लगेगा। उसके कई कारण है, ये नहीं कि हम इसको केवल राजनीतिक दृष्टि से स्टेटमेंट देने की दृष्टि से नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि अब इनको यहाँ अपना बेस बनाना है। पंजाब में भी इनको समय लगा, 2-3 चुनाव के बाद ही वहां तक पहुंच पाए जी। और साथ में अभी तक फेसेस नहीं है, बड़ी प्रयास किया और इनके जो इंचार्ज थे फिलहाल वो मुझे लगता है कि ईडी ने उनको अभी अरेस्ट किया हुआ है। वो भी जो जैन साहब आते थे बार बार, बहुत कोशिश करते थे हर आदमी को पकड़ के कि जी केजरीवाल से आपकी बात करवाते हैं, बहुत प्रयास किया कि कुछ चेहरे मिले। मैं जहां तक समझता हूँ अभी सबसे बड़ा चेहरा और पॉपुलर चेहरा गौरव शर्मा ही है आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जो एक इतिहास है हिमाचल की राजनीति का कि पहले भी ऐसे प्रयास हुए तीसरा फ्रंट बनाने के और मजबूत फेसेस थे हिमाचल के नेता रहे, अब आप देखिए वो सक्सेस नहीं हुए। तो आज स्थिति ये है कि आपके पास लोकल लीडरशिप नहीं है, फेस नहीं है। आप पंजाब से या दिल्ली के मुख्यमंत्री के जरिए हिमाचल प्रदेश में आप राजनीति को आगे बढ़ाना चाहेंगे, मैं बिल्कुल 1% भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री के जरिए हिमाचल प्रदेश में ये आगे बढ़ेंगे। वो यहाँ चलने वाला नहीं है और अल्टीमेटली जो है चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाला है। उसका और भी बहुत कारण है, हिमाचल प्रदेश के जो लोग है और मतदाता है काफी राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक है। वो समझते हैं पहले भी जो प्रयास हुए थे वो कभी सफल नहीं हुए, जिसमें खुद गौरव शर्मा जो है महेश्वर सिंह जी के साथ गए, इन्होंने भी एक फ्रंट बनाया था। सबसे लास्ट में जो फ्रंट बना था वो गौरव शर्मा जी का और महेश्वर सिंह जी का था, और उससे पहले पंडित सुखराम जी ने ये प्रयास किए थे और उससे पहले मनकोटिया साहब ने भी प्रयास किए थे बहुत लोगों ने, लेकिन हिमाचल की जनता ने थर्ड फ्रंट को हिमाचल में आगे नहीं बढ़ाया। तो हम जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ है कि ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। और वो जो जोश था पंजाब वाला वो भी हिमाचल में ठंडा पड़ गया। बहुत प्रयास किए कि कुछ फेसेस जोड़े जाए, कोई भी आदमी आगे आके बड़ा चेहरा जो है आम आदमी पार्टी। ठीक है, ठीक है। लेकिन गौरव जी, जिस तरीके से प्रतिभा सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया कि कॉमनर मैन को नेता बनाने की बात करते हैं और जो पंजाब दिल्ली मॉडल है वो हिमाचल में लागू करने में परेशानी सबसे ज्यादा आएगी। देखिए, कोई परेशानी नहीं आएगी, वास्तविक स्थिति से कांग्रेस बहुत दूर है और देखना नहीं चाहती सच्चाई को। कॉमनर्स को उठा के आम आदमी पार्टी बिल्कुल फ्लोट करना चाहती है। जिन लोगों के इश्यूज है उन्हीं लोगों में से नेता बनाया जाएगा, जिन लोगों को धरातल पे ज्ञान हो कि किस तरीके की परेशानियां हैं, क्या चीजें ठीक होनी चाहिए, उस बात में कोई संदेह नहीं है। और दिल्ली का मॉडल हिमाचल प्रदेश में लागू करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर शिक्षा अच्छी हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो हिमाचल प्रदेश के वासी चाहते हैं। और ये जो सारा आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की बात भी तो बेहद जरूरी हो जाती है क्योंकि पंजाब का जो मुद्दा है वो लगातार उठ रहा है। देखिए, वो राजनीति से दलगत राजनीति में फंसा हुआ मुद्दा है। हमने कहा है कि ऐसी जो घटना है वो हम सहन नहीं होने देंगे। पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, वहाँ शांति जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में लगी थी लेकिन उसको कुछ लोग पंचर करने में लगे हैं। बहुत से लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा है, राजनीतिक दलों को, कि अगर ये स्थापित हो जाएंगे तो काफी लंबे समय तक इन्हें हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अपार जो वहाँ जनसमूह आम आदमी पार्टी के साथ है वो समझ गई है कि ये सारे जो प्रपंच है ये अन्य राजनीतिक दलों के हैं, निजी रंजिश के कारण कुछ भी कहीं भी हो सकता है, उससे आम आदमी पार्टी को भी खेद है। और तुरंत उन्होंने सारे जो है उनके लिए फैसले लिए हैं, एसआईटी का गठन किया है, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है, मुख्य आरोपियों को भी, और जो जितने भी वहाँ पे ऐसे गैंगस्टर दल है उनके ऊपर भी बंदिश की जा रही है। तो ये तो किसी भी राज्य में हो सकता है। देखिए, शांति की जहां तक बात है, किसी भी सरकार का हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, उनका दायित्व बनता है प्रदेश के में शांति कायम रखने का, कानून व्यवस्था बनाने का। वैसा ही आम आदमी पार्टी का भी है। और आम आदमी पार्टी के नेता कोई विदेश से तो आए नहीं है, वो उन्हीं राज्यों के जहाँ वो राज्य में स्थापित है। तो हिमाचल प्रदेश में भी जो नेता होंगे वो हिमाचल प्रदेश के ही लोग होंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी भूल बाकी दल कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़े नेता हम दूर चले के अपने गठबंधन को विकसित करने वाले, ऐसा नहीं है। हम देखिए लोगों में से ही, आम जनमानस में से ही लोगों को उठाएंगे, उन्हीं को उनका नेता बना देंगे। और यहाँ तक तीसरे एक मिनट आप मुझे एक मिनट दीजिए, जहाँ तक तीसरे दलों की बात है तो आज तक चाहे सुखराम जी हो बाकी हो, सबको अपूर्ण समर्थन हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। लेकिन वो बड़े दलों में मिलते गए, लेकिन जब जब उनकी बारी आई तो उनको 1% भी पड़ा है और जनता ने उनको आशीर्वाद भी दिया। चलिए, ठीक है, गौरव जी और नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।